जब जुमा के फ़र्ज हो जाते हैं उसके बाद के चार का सुन्नत भी हो जाते हैं तो आपके सीरत में लिखा हुआ है आप एहतियातन उस जोहर की नमाज भी पढ़ते ये नियत करके, ऐ अल्लाह जो सबसे अखीर जो मेरी जिम्मे जोहर थी मुझसे अदा नहीं हो सकी वो अदा करूँ। वो क्यों? कि जुमा अदा होने के लिए शरायत है, वो बहुत शरायत है। मतलब क्या है? इस्लामी हाकिम होना और उसके इस्लामी क़ानून नाफिज होना, फिर उसमें फिर अतराफ़ से इस्लामी ममालिक लगे हुए रहना। अब वो बाद में क्या है, उनकी जगह में बड़े बड़े जो उलमा होते हैं जिनका जो मरकज़ होते हैं आवाम के, उनको बादशाह के ख़ाय मुखाम करार दिया गया, समझो उनको ख़ाय मुखाम करार दे के सब एक कई शरायत है। चूँकि आप देखते थे या शरायत में कुछ कमी नजर आ रही है तो एहतियातन जोहर पढ़ते थे जुमा के बाद। मैं एहतियात की बात करना चाहता हूं, क्यों? जब जुमा की नमाज हो गई है, शोबुलमा ने फतवा दे दिया है जुमा हो सकता है, फिर भी पढ़ रहे हैं तो ये नहीं पढ़े आज की जोहर, नहीं क्या फरमा रहे हैं? सबसे अखीर मेरी जो छुटी हुई जोहर है मैं अदा नहीं कर सका, वो अदा कर रहा हूं। तो ये अदा हो गई तो कोई खजा अदा हो जाएगी कभी छुटी हुई, वो भी नहीं तो अल्लाह ताला इसको नफिल बनाकर कबूल फरमाता है। तो बहरहाल आपकी एहतियात, अल्लाहु अकबर। जहां पहले सीधा कदम रख के दाखिल होना वहां सीधा कदम रखते, जहां पहले बायां कदम रखना है वहां बायां कदम, इतनी एहतियात थी। अल्लाह वाले जब अल्लाह अपना दोस्त बनाता है, इनसे दीन की खिदमत लेना चाहता है, पहले उनको पाकीज़ा बना देता है फिर उनसे खिदमत लेता है।